हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो दर्शिल गेमर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो लोग पबजी मोबाइल में केआर वर्जन खेलते हैं। तो गाइस, पबजी मोबाइल केआर वर्जन वालों के लिए अपडेट का वीडियो आ चुका है। तो इसमें मैं आपको सिंपल सी एक प्रोसेस बताऊंगा, आपको उसे ही फॉलो करना है। तो आपका पबजी मोबाइल केआर 1.3.0 में अपडेट हो जाएगा। तो गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही है, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक क्रोम ओपन करना है, उसमें टैप टैप करके सर्च मारना है। तो आपके सामने जो पहली लिंक होगी उसको आपको टच करना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज आएगा, तो आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर देना है। इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड का पॉपअप आ जाएगा। तो आपको वेट करना है कि डाउनलोड जैसे ही फिनिश होता है, आपको वो टैप टैप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टैप टैप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक प्ले स्टोर टाइप का ही एप्लीकेशन है, और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो हम सीधा इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। उसके बाद में हमें कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसके सामने ही आपको दिखेगा पबजी मोबाइल की आर। आपको सिंपल से उस पर ही टच करना है। तो आपके सामने दिखाएगा 666 MB का कुछ अपडेट दिखाएगा। आपको सिंपल से डाउनलोड APK में जाना है, परमिशन अलाउ करनी है, और सिंपल से आपको देखना है कि आपका डाउनलोड कितनी देर में हो जाता है। मतलब कि हम सीधा डाउनलोड फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर देते हैं और आपको बता दें कि आगे क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है बहुत ही स्पीड में, क्योंकि हमने फास्ट फॉरवर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, आपको इंस्टॉलेशन को परमिशन देना है, और इसे ही इनेबल करके इसको APK को इंस्टॉल कर देना है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी आपको एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद भी आपको एक दो स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको क्या करना है। आपको सिंपल से होम डन कर देना है। डन करने के बाद होम बटन दबा देना है। होम बटन दबा देने के बाद मैं आपको एक VPN सजेस्ट करूँगा, स्टॉर्म VPN। आप अपने हिसाब से कोई भी VPN यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको ये प्रीफर करूँगा। तो इसमें से आपको कोई भी अवेलेबल नेटवर्क हो वो सिलेक्ट कर देना है, जिसकी मतलब जिसमें अभी आपकी स्पीड अच्छी खासी आ रही हो, क्योंकि VPN में सबको पता है थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वैसा जो जो होता है ना सर्वर, वो प्रॉपर सिलेक्ट करना है जिससे कि आपकी स्पीड बढ़िया हो। तो यहाँ पर मैं स्टॉर्म VPN यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मतलब आपको कहीं घूमने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है एक लाइक और एक सब्सक्राइब की। तो गाइस, अब सिंपल से वापस से आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है पबजी मोबाइल के। तो इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप ये आपसे परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसी आपको स्क्रीन दिखेगी, जैसे कि आप पबजी की आर वालों को पता ही होगा कि पबजी की लोडिंग स्क्रीन ये होती है। तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स हो रहा है। तो गाइस, अगर मैं VPN ऑन नहीं करता तो ये यहीं पर घूमता रहता, और आप लोग सोचते कि एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे VPN कनेक्ट करने के बाद बहुत ही स्पीड में डाउनलोड हो जाएगा, इसकी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो गाइज, मैं डाउनलोड को फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें आपको आगे के स्टेप्स भी समझाने हैं। तो गाइज़, चलिए डाउनलोड के बाद मिलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर हमने डाउनलोड को थोड़ा फास्ट में मूव कर दिया है, ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर डाउनलोड भी हो चुका है, कुछ पहले 9 MB का डाउनलोड था, वो भी होने को आया है। तो उसके बाद गाइस, क्या होगा कि आपको ये प्रिपेयरिंग रिसोर्सेज का एक लाइन दिखेगा, मतलब कि प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि मतलब आपको कौन से वर्ज़न में जाना है, मतलब कि हाई एंड मतलब कि HD ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है या लो एंड ग्राफिक्स को। तो गाइस, आप अपने फ़ोन के स्पेक्स के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे में स्टोरेज थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने लो स्पेक्स का, और अभी आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैंने अभी लो का कर दिया है। बट आप हाई में खेल सकते हो, उसमें आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक्स और साउंड क्वालिटीज़ मिल जाएगी, और गाइस लो में भी आपको मिल ही जाएगी, पर डिफरेंस पड़ जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने डाउनलोड में जो सर्वर था वो चेंज किया है, क्योंकि पिछले वाले सर्वर में बहुत ही स्लो डाउनलोड हो रहा था। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस डाउनलोड को भी फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने सर्वर चेंज किया है, और उसके बाद फटाक से क्या डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे आपकी पबजी मोबाइल की आर का पूरा का पूरा रिसोर्सेज की फाइल्स डाउनलोड हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपकी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी, आपका गेम रन हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका अपडेट कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइज, आपको सिंपल से रिस्टार्ट करना है गेम को। यहाँ पर मैंने भी रिस्टार्ट कर दिया है।
तो ये आपका पबजी मोबाइल की आर फिर से ओपन हो रहा है और अब ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो चुका है, मतलब कि आप सक्सेसफुली 1.3.0 में मूव कर चुके हो। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इसमें आपको कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिएगा। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द शिव गेमर एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।